से वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें इस होटल के हवाले से या दुबई के हवाले से मैं समझता हूँ कि वो हम लोगों के प्यार में नहीं है। देयर नॉट इन आवर कंट्रोल। अब इस होटल की मैंने इतनी तारीफें आपसे कर रखी हैं कि आप इस होटल के बारे में कोई गलत या नाजेबा बात करना मुनासिब नहीं लगता। अलबत्त मैंने ये नोट किया है कि यहाँ पे इस मरतबा का इंटरनेट सिस्टम या वाई फाई सिस्टम जिसे आप कह सकते हैं बड़ा नाजुक है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, मैं मेरी बड़ी कोशिश इतनी कोशिश की कि उस वीडियो को मैं रात को शाम को किसी वक्त में अपलोड कर देता। अब यकीन कीजिए कि अभी तक वो अपलोड नहीं हुई और आज मेरी फ्लाइट है रात में कहीं। इसके लिए मैंने आपसे जिक्र किया हुआ था कि रमजान पाकिस्तान में गुजरेगा, शायद पहला रोज़ा यहाँ दुबई एयरपोर्ट हो, लेकिन जो पाकिस्तानी रमजान है यानी कि मैं पाकिस्तान में भी अपने रोज़े रखूँ या गुजारूँ। यहाँ मैं बात कर रहा था इस होटल की जो मैनेजमेंट है, अफसोस से कहना पड़ता है, शायद लॉस में जा रहे हैं, उनके पास स्टाफ नहीं है, उनके पास कॉम्पिटेंस नहीं है, जो भी है वो पहले वाला मज़ा नहीं है। अब मुझे मालूम है जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो जो होटल के सिर्फ जानने वाले देखने वाले मेरे फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ये कोई हमें कुछ तैरात में नहीं ठहराते, ये नाटकों के भी पैसे लेते हैं, ये हर चीज़ यहाँ पे बाकी जगहों से 5-7-10-20% ज़्यादा ही है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है अभी या इस मरतबा, एक तो उनका बड़ी शिकायतें की हैं, 6th फ्लोर पे उनका इंटरनेट या वाईफाई बिल्कुल काम नहीं करता। मैंने यहाँ पे वो VPN परचेज किया, 11-12 हज़ार पे छत पे चले गए, धूप इतनी शदीद है वहाँ पे इंसान बैठ नहीं सकता। नीचे जो कंस्पीरेट जिन्हें हम कहते हैं बेल बॉयज हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो तो सारे मेरे बच्चे भी करें मेरे पसंदार जानने वाले, लेकिन मैं किसी का नाम लिए बगैर मैं कितना आपको बता सकता हूँ। करें ऐसा ना हो सब बुक होटल के बंद होने वाली हो सकता है ना हो, लेकिन मेरी मेरी अंदर से ये फील है 2 फ्लोर इनके जो है वो 3rd एंड 4th फ्लोर उससे इनके एम्प्लॉई रहते हैं। आई थिंक 1st फ्लोर और 6th फ्लोर और 6th फ्लोर पे उनकी गेस्ट रहते हैं। अब जैसा मैंने अभी मैं कहना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पा कि बिल्कुल गेस्टों के बीच समहाउ आई डोंट नो डूम उनके हालात वाकत मुझे ऐसे लगता है कि अच्छे नहीं है। और अगर मुझे ऐसे लगता है तो इसका मतलब है ये साथ साथ मैं कैमरे की भी सेटिंग कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कुछ इस मरतबा जो है वो कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगी हैं जो कि यहाँ पे अप टू द मार्क नहीं थी। और यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा फंक्शन होते थे, उनके एक दो रेस्टोरेंट मैंने देखे, एक रेस्टोरेंट
मैंने सुनने में आ रहा है कि जैपनीज रेस्टोरेंट यहाँ पे नया खुल रहा है। हाँ, जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये थी कि यहाँ की जो CEO हैं मैडम रुखसाना, मैंने उनके लिए अपने दोस्त के लिए मैंने बड़ी अच्छी टीम बनवाई थी। वो टीम मैं नीचे होटल के साथ ले कर चला जाऊँगा और वो उनको प्रेजेंट कर देंगे। उन्होंने उन्होंने मैडम रुखसाना ने एक बात की मुझे कहती हैं कि आई एम नॉट सपोज टू एक्सेप्ट एनी पर्सनल गिफ्ट फ्रॉम एनीवन। तो मैंने उनसे कहा तो मैडम मैं पर्सनल गिफ्ट आपको नहीं दे रहा, मैं ये इस तरह ये तो आपको आपके होटल मैनेजमेंट और मेरी तरफ से आपके लिए एक आवाज की बात है, इसको आप एक्सेप्ट करें। शायद उनकी समझ में ये बात नहीं आई, या तो मैं छोड़ जाऊँगा या मैं साथ ले जाऊँगा और इसी से कुछ मैं देखते हैं जो भी होता है। और अजीत सब लोगों का शुक्रिया जिन लोगों ने यहाँ पर मेरे लिए वक्त निकाला, मुझे मोहब्बत की, मेरे खाने पीने का बंदोबस्त किया, मुझे गाड़ी प्रोवाइड की, मुझे ड्राइवर प्रोवाइड किया, मुझे इधर उधर ले के गए, मेरा इंतज़ार किया। वो उन सब लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक मरतबा फिर आप लोगों से माजरत है कि यहाँ पे जो वीडियो के जो अवकात कह लें या जो हालात का कह रहे हैं इस तरह नहीं है, पाकिस्तान में फ्रीक्वेंटली रेगुलरली इन सब वहाँ पर जाकर ज़रूर आपसे मिला था। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी वीडियो रिकॉर्ड की हुई हैं, मैंने आपसे जिस तरह अर्ज की थी कि अभी यहाँ पर तो अपलोडिंग का प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह वो जब अपलोडिंग का प्रॉब्लम पाकिस्तान में नहीं होगा, यहाँ पे पहले कभी नहीं था लेकिन इस वक्त बस समझ नहीं आती कि यहाँ पे भी और से मसाइल हैं। और ये दलील होती है जिस तरह कोई भी गाड़ी खराब होने वाली हो तो वो पहले मशीन करती है और नहीं होता रिकॉर्ड। लेकिन मैं अब भी इस होटल का सरकारी हूँ, मैं बुरा नहीं सोचता, लेकिन मुझे किस मरतबा आज ऐसे लगता है कि शायद इस होटल में ये मेरा आखिरी स्टे है। यहाँ का जो स्टाफ जिससे मैं वाकिफ था, जो मुझे जानते थे, जिनको मैं जानता था, ना वो स्टाफ है यहाँ पे, ना जो लोग हैं, ना उनमें रिकल्टी है। और एक बिजनेस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है और मैं इस तरह पर यकीन नहीं रखता। जहाँ पे आपको कर्टसी इज्जत ना मिले, यहाँ पे रहने की जगह बहुत सारी इतनी पैसों में मैं और होटल में अपार्टमेंट में मेरा क्याम हो सकता है, लेकिन ये बात की बातें हैं। तो आज क्या कहूँ कि आज रात की मेरी फ्लाइट है और इंशाल्लाह पाकिस्तान में आज आपसे मुलाकात होगी। मैं उस दिन भी आपसे मैं बाद तक आपसे मजाक की बातें कर देता हूँ। मेरा यहाँ पे दोस्त है सरदार है, तो आज जो मैंने चश्मे पहने हुए हैं उसने मुझसे मुझे कहा कि आप खाली शर्ट पहने और दूसरे चश्मे के पिछली वीडियो में मैंने पहने हुए, तो वो मुझे कहता है कि जी आज काला जोड़ा ला, काला चश्मा ला, साड़ी फरमाइश थी। मैंने कहा काला तो वो भी है, काला ये भी है। कहते नहीं जी ये आपके साथ नहीं अच्छा लगता। आज मैंने मेरे बेटे ने ये मेरे लिए मेरे बर्थडे को गिफ्ट मुझे दिया था, तो ये ख्वाहिश होगी कि मैं उसने मुझे गिफ्ट किया मैं वो चश्मा पहनूँ। उससे पहले जो मैं चश्मा पहनता तो वो किसी की फरमाइश है, वो काली शर्ट भी और काला चश्मा भी फरमाइश से पहन रहा था। तो इंशाल्लाह जल्दी होगी आपसे पाकिस्तान में आकर हैदराबाद से मुलाकात होगी। यहाँ पे आज रात के बाद से रमजान, आज यहाँ की चांद रात कह लें, पाकिस्तान में अगले दिन है। सबको रमज़ान मुबारक, तो यहाँ पे हैं उनको भी जो
پاکستان میں ہیں ان کو بھی, اور خاص طور پر وہ لوگ جو یہاں پر اس رمضان میں کسی مشکل میں, ڈسٹریس میں, پرابلم میں کسی ہے, ان لوگوں کے لیے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے, اللہ تعالیٰ ان کو اس رمضان میں اپنی برکتوں, اپنی نعمتوں سے نوازے. بعض اوقات میرے دوست اب آپ کہتے ہیں کہ آئے ساؤنڈ لائف ہے مولوی اور عالم دین, ایسی بات نہیں, لیکن کلمہ خیر کہنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے, اور اسپیشلی جو لوگ یہاں پہ ان دنوں جو اسٹریس میں ہیں, جاب لیس ہیں, جن کی لڑکیوں کے لیے جن کے گھر میں کسی کی بیماری غم ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے رضی امان میں رکھے, اللہ ان کی مشکلات کو آسان کرے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت.